नमस्कार, मैं हुमाही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। बिहार की राजनीति में इन दिनों पप्पू यादव छाए हुए हैं। आपको बता दें, पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की उनकी जो ख्वाहिश के चलते महागठबंधन में महाघमासान मचा हुआ है और इसी बीच अब बीमा भारती ने नामांकन दाखिल कर दिया है और तेजस्वी यादव उनको नामांकन दाखिल कराने के लिए पहुंचे और उनको सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी और पप्पू यादव दोनों पर हमला बोला। लेकिन उन्होंने बीजेपी के ऊपर बीमा भारती के परिवार को किडनैपिंग करने का जो आरोप लगाया है, ऐसे में माना जा सकता है कि नीतीश कुमार को इस बात से बड़ा झटका लग सकता है। जिस तरीके से उन्होंने बीमा भारती के पार्टी छोड़ने के पीछे की वजह बताई, ऐसे में बीमा भारती स्टेज पर रही और वहां पर वो रोते हुए नजर आई और लोगों के सामने भीख मांगते हुए भी नजर आई और उन्होंने बोला कि हमें न्याय की जरूरत है, आप ये चुनाव जिताकर हमारे साथ न्याय करिए। पहले आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव ने और बीमा भारती ने बीजेपी के पर हमला बोला और नीतीश सरकार पर भी हमला बोला। लेकिन बीमा भारती जी ने डरने का काम नहीं किया, समाजवादी विचारधारा के साथ खड़ी रही। जहां अन्याय हुआ वहां अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। इनके पति को, इनके 18 साल के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, एक बेटी है साथ में, ये खुद है। पूर्व में ससुर का हत्या हो गया, एक बेटे की हत्या हो गई, सभी लोगों का। तो आज हम लोग जनता जो हमारी मालिक है, आप हमारे मालिक हैं और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। आज आप लोगों से न्याय मांगने आए हैं कि आप लोग इन्होंने इतना बड़ा त्याग दिया है, होने फैला करके खड़ी है, आप लोगों से न्याय मांग रही है और इन्होंने त्याग दिया। विधायक थी, विधायक पद से इस्तीफा दिया, हम लोगों के साथ खड़ी हुई। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता था कि जब इन्होंने त्याग दिया तो हम लोग भी त्याग देने का काम करें और इनको यहां से जिताया पता चलिए। हम लोग की पार्टी लालू जी की सोच है सामाजिक न्याय, गरीब गुर्दा लालटेन झाप जिंदाबाद के चलते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। कोई समाज में ऐसा भाई हमारा पीछे ना छूट जाए, सबको मुख्य धारा में लाने का लालू जी ने लड़ाई लड़ा। पार्लियामेंट में जो महिला जो सोचता भी नहीं था, जो पत्थर तोड़ने वाली महिला भगवतिया देवी को उन्होंने सांसद बनाने का काम किया। 90 के दौर से कितने लोगों को एमएलसी एमएलए बनाया, हर समाज के लोगों को देखने का काम किया। आज हमारी पार्टी, कुछ लोग कहते हैं एमवाई की पार्टी, लेकिन हम कहते हैं कि एमवाई के साथ बाप की भी पार्टी है। तो देखा आपने किस तरीके से तेजस्वी यादव बीजेपी और नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए और वो बीमा भारती को कहीं ना कहीं प्रमोट करते हुए भी नजर आए। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने पप्पू यादव को झटका दिया है, ऐसे में कहा जा सकता है कि पप्पू यादव जिस तरीके से जीत पर अड़े हुए हैं, अगर वो नामांकन दाखिल कर देते हैं तो ऐसे में बीमा भारती के लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि पप्पू यादव का पूर्णिया सीट पर खासा दबदबा देखने को मिलता है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में जिस तरीके से पप्पू यादव ने घमासान छेड़ दिया आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, क्या दोनों पार्टियों में फिर से वो सामंजस्य बनता हुआ नजर आएगा या पप्पू यादव वो सामंजस्य जो है बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।